जान के जोखिम पे डाल के चले कौन से देश को, परदेसी भैया मोरे परदेसी भैया, परदेसी भैया रे परदेसी भैया, तेरा गांव है बड़ी दूर, तुझे जाना है बड़ी दूर, क्यों छोड़ा ठौर ठिकाना, हुए काहे तुम मजबूर, तुमसे है देश की खुशहाली, अरे आएगी नई लाली, हो परदेसी भैया मोरे परदेसी भैया रे परदेसी भैया। और कोरोना का गाना तो हवाओं में बैठा है पहरा, असर देखो कितना है गहरा, पूछे है हर कोई देखो, अरे खतरा बड़ा है पहचानो, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है, अरे आया है तू क्यों निगोड़ा, अरे कैसा है तुरे करोना। मैं भी अक्सर सोचती हूँ, मुझसे सब बहुधा पहला सवाल सब यही पूछते हैं, कैसे प्रारंभ किया सीखना, घर में कौन गाता था। और मैं उन्हें बताना शुरू करती हूँ कि मेरे घर में कोई भी संगीत से किसी का कोई वास्ता नहीं था, कोई मंच तो बहुत दूर की बात है, सिवाय इसके कि बहुत बेहद शौक था मेरे माता पिताजी को। तो जो आपने सवाल पूछा है कि कुछ तो घरानेदार गवैये होते हैं जिनके यहाँ पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है, और या पीढ़ियों से संगीत नहीं भी है तो कोई एक शुरू करता और फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। एक बार ये सवाल शिवेंद्र मैंने अपने गुरु अप्पा जी गिरजा देवी जी से पूछा था कि अप्पा जी सब मुझसे यही सवाल पहला करते हैं, जैसे कि गोया कि कुछ अनहोनी सी बात है कि कैसे मैंने गाना शुरू किया। तो अप्पा जी ने तब बताया कि उनके पिताजी भी तो किसान थे और उनके घर में भी कोई नहीं गाता था, और अप्पा जी यानी कि पद्म विभूषण गिरजा देवी जी अपने घर में पहली हुई। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि बिटिया कभी कभी कुछ यात्राएं पिछले जन्म में अधूरी रह जाती हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए आत्माएं दोबारा आती हैं। तो मुझे अपने बारे में भी यही लगता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता तो भले मेरे परिवार में कोई गाता नहीं था लेकिन 5 वर्ष की बच्ची में प्रतिभा है तो इसे सिखाना चाहिए और गुरुओं तक लेके जाना चाहिए और उसके संग मेहनत मेहनत करनी चाहिए। ये ऐसे माता पिता फिर मुझे इस योनि में क्यों मिलते। तो कहीं ना कहीं मैं अपने गुरु वाली बात मानती हूँ कि बहुत लंबी यात्रा के हम लोग उसका एक पड़ाव है ये जन्म, तो शायद पिछला जन्म अधूरा रह गया इसलिए इस जन्म में संगीत शुरू किया जबकि घर में नहीं था। देखिए शिवेंद्र, मैं स्वभावतः बहुत जुझारू रही हूँ और मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है, मुझे धारा के विपरीत बहना बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे यदि मुझे बात समझ में आ जाए, जितना लोग मुझे ऐसे मिलते गए जो कहते थे कि अरे तुमने तो 25-30 साल खाली क्लासिकल सीखा, उनसे सीखा, उनसे सीखा, उनसे सीखा, उस मर्यादा को सोचो, उस परंपरा को सोचो, क्लासिकल सीखा है लोक में क्या क्यों। जितना मैं सुनती थी तो मुझे ये लगता था कि अज्ञानियों की बड़ी लंबी बड़ी भारी संख्या है और दुनिया इतनी तेजी से बदल गई है। वो लोग हैं जिन्होंने अपने घरों से ढोलक गायब कर दी, ये वो लोग हैं जिन्होंने जब दादी बैठ करके कुछ गाती थी हल्दी के तेल के सोहर के लोरी के तो कहते अम्मा अब हो गया बस, अब ठीक है, अब रहने दो, अब नया जमाना। ये वो पीढ़ी थी और यदि कोई अड़ा नहीं या कोई दृढ़ता के साथ इसके सामने नहीं आया तो फिर क्या, क्योंकि प्रसिद्धि लोकप्रियता यश पैसा वो तो सबको चाहिए, चाहे फिल्म लाइन से मिले, चाहे गजल गा के मिले, चाहे कुछ भी इंडी पॉप एनीथिंग। लेकिन मेरे लिए मसला वो था ही नहीं ना, मेरे लिए मसला तो एक विचार परिवर्तन का था, मैं तो सोच बदलने का काम कर रही थी और ये सोच बदलने का काम में तो पीढ़ियां लग जाती हैं, एक जीवन भी लग जाए मेरा तो बहुत कम है। बैरन रे कोयलिया तोरी बोली ना सुहाए,
बैरन रे कोयलिया तोरी बोली ना सुहाय, तोरी बोली ना सुहाय, तोरी बोली ना सुहाय, मदन रस जगाए तोरी बोली ना सुहाय। यह पाती हमारी दई दीजो, यह पाती हमारी दई दीजो। हाँ कंत परदेस सुहाए, मदन रस जगाए तोरी बोली ना सुहाए, तोरी बोली ना सुहाए, तोरी बोली ना। बैरन रे कोयलिया तोरी बोली ना सुहाए ना। मुझे लगता है कई बार इंसान वही रास्ता चुनता है या वही जाकर अंतत्वगतवा बनता है जो उसकी खुद की फितरत, उसकी अपनी सोच और उसकी जीवन मूल्यों के बहुत निकट हो। कम से कम मैं अपने बारे में तो अवश्य यही मानती हूँ। और जीवन में दो चीज़ें हैं जिन पर मैंने बहुत विश्वास किया और अमल करती हूँ, और यही सबसे कहती हूँ, वो ये कि इंसान का काम चलना है, वो रास्ता चुने और उस पर चले, उस रास्ते पे चल करके क्या मिलने वाला ये ना सोचे। क्योंकि मैं जिस मार्ग पे चली वो मेरा ये दृढ़ विश्वास था कि भारत की जो सांस्कृतिक छवि है उसका जो सौंदर्य, उसका जो लालित्य लोक साहित्य में दिखता था मुझे, लोक गीतों में जो श्रृंगार, जो गरिमा और जो बांधने का जो एक अदृश्य धागा नेह का दिखता था, वो मुझे कहीं नहीं दिखता था। और तो बस मैं उस मार्ग पे चल पड़ी और रास्ते में चलने पे सब कुछ मिला, आलोचना, हतोत्साहित करने वाले लोग, इसमें कुछ दम नहीं इस बात में, या इसको ये भी सोचने वाले कि ये भला ये भी कोई बात हुई, ये कौन सा क्षेत्र है, कौन सी विधा है। और यश भी मिला, मेरे विश्वास में विश्वास रखने वाले भी मिले। लेकिन जो हद छोटी सी जब मैं थी तभी मुझे अपने, जब ताई जी लोग के गाने सुनती थी मैं, या गोरखपुर में आकाशवाणी में जब मैंने गाना शुरू करा, बहुत वहाँ पर आपको मालूम है आंचलिक चूंकि रेडियो स्टेशन था तो उसकी भी वहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेजेस के लिए एक सरकार की ओर से जियो आया था कि जो भी गाने वाले कलाकार हैं वो अनिवार्यतः लोक भाषा में ज़रूर गाएंगे। और इस तरह से वहाँ पर बाढ़ सी थी, बहुत सारे कलाकारों को मैं सुनती थी और जो गाने हमको गाने को दिए गए, तो जब मैं उनको सुनती थी, जैसे कि एक उदाहरण दे रही हूँ, अब 10 साल की थी जब मैंने गाना गाया, अरे मारे हाय 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 मारे करिजवा माती बलम घरे ना मोरी ननदी, हमरी अटरिया पे कागा बोले कागा बोले, सुन जीरा मोरा लर्जे कब आए हैं भैया तोहार मोरी ननदी, मारे ओ मारे करजवा माती बलम घरे ना मोरे ननदी। अब इस गाने में आप देखिए कि नायिका है, उसके लिए उसकी ननद कितनी महत्वपूर्ण है। आशा पति के बारे में पूछने का है लेकिन संकेत कागा से मिल रहा है, तो प्रकृति को भी साथ लेना, परिवार को साथ लेना, ये कमाल की जो एक हम विश्व बंधुत्व कहते हैं हमारे यहाँ की, हमारी सांस्कृतिक अवधारणा यही रही है, उसके सबसे निकट यदि है तो लोकगीत है। और बस मैंने सोचा कि ये किसी को करना चाहिए, क्योंकि मेरी तो तालीम शास्त्रीय संगीत की थी, लेकिन वहाँ पे जब मैं बंदिशें देखती थी, बड़े ख्याल की, छोटे ख्याल की, दादरों की, ठुमरी की, तो वहाँ भी मैं उलझ जाती थी कि अरे ये तो पूरा लोक है, ये तो ब्रज है, ये तो काशिका है, तो अवधि है, हम क्यों नहीं मूल स्वरूप पे उसको सामने क्यों नहीं लेके आते। कुछ सोहर सुनती थी, कुछ बन्ने सुनती थी, राम का बन्ना है जिसमें कि राम कह रहे हैं कि भाई मैं कैसे सहरा बांधूं, माली तो आया नहीं, सुनार तो आया नहीं, तेलन तेल लगाने तो आई नहीं, कमाल का जो एक ये समग्रता में पूरे समाज को एक साथ लेकर जो लोक चलता है, वो मैं खुद भी थी, वो मेरे इतने करीब था। मैं उदाहरण दूं आपको, जब ग्रेजुएशन में विषय लेने की भी बात आई तो मैंने कहा नहीं मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ूंगी, संस्कृत लूंगी, और विषय संस्कृत मैंने ग्रेजुएशन किया। तो ये एक कह लें अपना विश्वास होता है इंसान का,
और ये लोक भी इसकी मर्यादा और इसका जो सौंदर्य है उसको सामने लाना, ये भी एक कहीं ना कहीं एक हठ बन गया। और मैं चल दी उस मार्ग पर, लंबा रास्ता था लेकिन उसका जो परिणति हुई है जिस रूप में, और अभी तो बहुत लंबा चलना है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि बहुत सारे मुसाफिर उस रास्ते में साथ हो लिए। मुझे लगता है इंसान है क्या यदि वो अपने विश्वास पे कायम न रहे। ज़्यादा ज़्यादा आप हारेंगे ही तो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको असफलता ही तो मिलेगी, लेकिन संतोष तो रहेगा कि जिस पर आपको विश्वास था आपने वही राह अपनाई। आप लोकप्रियता की दौड़ में नहीं गए, आपने जिस रास्ता को पकड़ा वो लोकप्रिय बन गया। हरि अम्मा हरि अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, के सावन आया के सावन आया के सावन आया री माई, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री हो। अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा, बाबा तो बूढ़ारी, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ारी, के सावन आया के सावन आया रे माई माई, अम्मा मेरे मामा को भेजोरी, अम्मा मेरे भैया को भेजोरी, अम्मा मेरे भैया को भेजोरी हो। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए, खुद ही से खेले डूबे नहीं हम ही नशे में अकेले, शीशे में आपको भी उतारे चले गए, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, हम जुल्मे उल्फत की हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान हैं शोलों को हवा देते हैं, कैसे नादान हमसे दीवाने, कहीं तर के वफा करते हैं, जान जाए के रहे बात निभा देते हैं, जुल्मे उल्फत की हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान। हाँ।
रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन रेलिया बैरन रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन जौन टिकसवा से सैया मोर जई हे, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन जौन सहरवा को सैया मोर जई हे, आगे लागे सहर जल जाए रे, आगे लागे सहर जल जाए रे, रेलिया बैरन रेलिया बैरन रेलिया बैरन रेलिया बैरन 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 बैरन।